सारे लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, उन्होंने जो किया मेरी बेहतरी का ही सोचकर किया। अब मैं मुराद के सामने किस मुंह से जाऊंगी? हाँ, काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है। प्रीतम, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? इससे ज्यादा घटिया इल्जाम आज तक नहीं सुना मैंने। अम्मी मुझे या सार्टे को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। आपका नया टॉय है गालिबन, आपकी ज़हनी उम्र के मुताबिक है। इस अदर बेहतरीन डिजाइन बना दिया है कि आपके फन की आशिक हो गई हूं मैं। कामरान साहब आशिक नहीं मोहतरमा, असल में मैं इस स्टाइल पर आशिक हो गया हूं। बहुत ही मुनफरिद स्टाइल है। अरे कामरान साहब, आपने तो ऐसा स्टाइल बना दिया है, मैं तो कोई एक्ट्रेस लग रही हूं। अरे मोहतरमा, यही तो मेरा फन है। कई औरतों के शौहर नहीं पहचाने उन्हें स्टाइलिंग के बाद, बल्कि वो खुद भी नहीं पहचानी। तुम क्या कहती हो असली? हाँ, कुछ बोलेगी अभी? नहीं जनाबी मोहतरम, क्या बोलूं अब मैं? आपका फन तो बेमिसाल है, इस पर तो एक्सपर्ट लोग ही कोई राय दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं नाचीज आपके फन के बारे में कुछ कहूंगी तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। रे, इस पर मैं हर किसी का ममनून हूँ और ये कमेंट्स हमेशा याद रखूंगा दिल से, हर किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी तरफ से कॉफी पिए चलकर। जबरदस्त। बहुत अच्छे, चलोगी ना तुम भी? वो असल में मुश्किल है क्योंकि गुस्सा कम नहीं हुआ अभी मेरा, तो कैसे जा सकती हूँ? देखे ना, वहाँ जाकर ऐसी वैसी कोई बात कर दी मैंने तो बुरा हो जाएगा, इसलिए डर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं यहीं से कैब लेकर घर चली जाऊँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ फंस गई? अल्लाह सब कुछ झूठी तारीफों से महफूज रखे। जबड़े दुखने लगे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। किसे बताओ? ध्रुव को बता दी हूँ, ठीक है उससे फोन करती हूँ। अम्मी, इस वक्त नहीं असली। ओ ठीक है, कोई मसला नहीं। उस लड़की से कौन बात करेगा जिसके बालों में बम फटा हुआ हो? ये क्या फिर काट दिया? मगर समझ नहीं आ रहा उसने मेरा हेयर स्टाइल देख कब लिया, जादूगर है क्या? अम्मी कहाँ है आप? जी कुछ चाहिए द्रोक साहब? अम्मी कहाँ है? बाहर लॉन में। क्या हो गया? अम्मी आज जल्दी आ गए द्रोक बेटा। भाई से कोई डील साइन कराई है आपने? क्या मतलब समझी नहीं मैं। दीदम ने ऑफिस से जो कॉन्सेप्ट चोरी किया था वो इसलिए हमारे कॉम्पिटिटर को दे दिया गया कि भाई को नुकसान उठाना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील वील साइन नहीं हुई, तो मुझ पर क्यों शक कर रहे हो दुरुक? अम्मी पता चल गया है, मुझे मालूम हो गया। आप समझी दीदम को यूज करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे सब मालूम है। अरे दुरुक छन, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदम ने अगर किया है कुछ तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ही साइन करवाया था ना भाई से। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्सेप्ट से अगर फायदा हुआ तो पूरी कंपनी का, और अगर नुकसान उठाना पड़ा तो सिर्फ भाई को बर्दाश्त करना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। हाँ असली यार, हेल्प चाहिए तुम्हारी। ओ क्या हो गया? वही प्रॉब्लम यार, एक तो तुम समझ नहीं आती मुझे। भाई छोड़ दो ना उसे, क्या मसला है? अच्छा चलो बताओ। कुछ खास नहीं, मामूली सी बात है। वो एक फ्रेंड है मेरा जो फोन उठा नहीं रहा, बिजी कर देता है।
बहुत ट्राई किया, बताओ क्या करूं? तो ऐसा क्या हो गया? वो बिजी होगा वाकई। हाँ एक मिनट यार, ये कौन सा फ्रेंड है, नाम क्या है उसका, क्या मैं जानती हूँ? तुम क्या मेरे हर फ्रेंड को जानती हो दुनिया में? बस एक है फ्रेंड, अब नाम क्या बताऊँ तुम्हें, छोड़ो छोड़ो। ओके असली तुम कब से इतनी प्राइवेसी रखने लगी, साफ साफ बताओ ना कि वो फ्रेंड असल में रुक है ना यार, है कि नहीं, सही गेस किया ना यार? एपिक हद है, मैं बहुत परेशान हूँ और तुम्हें तफरी सूझ रही है। द्रुक को इसलिए कॉल की थी कि पूछूं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे पता करूं, टेंशन हो रही है। अच्छा बस इजी हो जाओ, वो किसी काम में फंसा होगा, मीटिंग वगैरह में होगा, टूअल है ना वहाँ। ऐसा करो तुम टूअल को कॉल कर लो, असली यानी उनसे पूछ लो, दैट्स इट, रिलैक्स हो जाओ। उनसे पूछना मुनासिब नहीं लगता, वो क्या सोचेंगी भला, बात का बतंगड़ बन जाएगा एपिक। अच्छा मत करो कॉल उन्हें, अब तुम द्रुक को दोबारा ट्राई करो, शायद उठा ले। ठीक है। हाँ ठीक है असली, यही ठीक है, फिर भी ना पिक करे तो छोड़ देना। हाँ और क्या, फिर थोड़ी करूंगी, फिर क्यों करूंगी भला। असली देखो तुम अपनी बात पर कायम रहना, पीछे मत हटना अपनी बात से। नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल असली, यही सही है। ओफ चलो तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ, फोन करूंगी, बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर। अरे सब पता चल गया है तो तू इतना उलझ क्यों रहा है बच्चे? क्योंकि मसले से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मामला और ही उलझ गया। क्या उलझ गया मेरे बच्चे, पता चल तो गया उसके पीछे तेरी माँ है। हाँ यही तो मसला है ना दादी जान, कि इसकी असल जिम्मेदार अम्मी है। अम्मी क्या कह रहा है, क्या चाहता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दूसरा मसला है निजात, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? दुरुक तुझे तो उसका गुस्सा पता है ना, वो किसी से पूछेगा नहीं और गुस्से में कुछ कर बैठेगा। तो फिर बताएं क्या करें दादी जान, अम्मी तो मानने पर तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ किया है। वो तो कभी नहीं मानेगी। तो फिर कोई हंगामा ही होता नजर आ रहा है मुझे, ना वो गलती मानेंगी ना मामला कभी हल की तरफ जाएगा। दादी जान, दादी जान आप यहां बैठ जाएं। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। किसी डॉक्टर को फोन करूं, एम्बुलेंस मंगवाऊं? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हो जाऊंगी बस ठीक। कितना समझाया था तुम्हें कि बहुत एहतियात से करना है ये काम, और उतने बेवकूफाना तरीके से ये काम किया है तुमने, कितनी जाहिल औरत हो तुम। अरे दारिया आंटी कितनी दफा बताऊं आपको, मैंने जब कॉपी किया था वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी लगा है, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा छोड़े ये बताएं क्या करना है, वक्त नहीं है, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब, ऐसा करो मेगाफोन लेकर आओ और ऐलान कर दो कि मैंने कॉन्सेप्ट चोरी नहीं किया साडे का। किस कदर बड़ा मसला बना दिया तुमने मेरे लिए। हर मसला हल हो सकता है। हाँ तो तुम हल कर लो, एक मिनट में अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल देगा मुराद। मगर दारिया आंटी। अब दारिया आंटी क्या करेंगी, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आखिर कैसी औरत हो तुम, क्या हक है तुम्हें मुराद का नाम भी अपनी जबान से लेने का? कौन हो तुम? हाँ कौन हूँ मैं, मुराद की होने वाली बीवी और साटे के मुस्तकबिल की मालिका हूँ, अंडरस्टैंड मोहतरमा, आई समझ? एक थर्ड क्लास मॉडल के सिवा कुछ नहीं हो तुम। थर्ड क्लास मॉडल कहा मुझे? बिल्कुल यही औकात है तुम्हारी, अगर अब इस मामले में मेरा नाम लिया तो मुराद को ये सीसीटीवी फुटेज भेज दूंगी। ये ब्लैकमेलिंग है। क्या समझ रही थी तुम? हाँ मैं कोई मुराद की दुश्मन नहीं हूँ, जो कुछ किया किसी सबब से किया मैंने। बिल्कुल डील किसी सबब से ही की होगी दारिया आंटी, आपने जो कहा था सुन लें। हियर इज योर वॉइस, गौर से सुने। बर्बादी मेरा मकसद है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड मुराद है, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुराद ने डील साइन की है बकायदा, कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा कंपनी का होगा और अगर लॉस हुआ तो मुराद को भुगतना होगा। हाँ बोलो असल। यार फोन उठाओ दुरुक, यार प्लीज फोन उठाओ, बस पिक करके हेलो ही कह दो। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे, मैं परेशान हो रही हूँ यार, प्लीज फोन उठा लो। असली हेलो दुरुक। उठा तो लिया है वाकई, ये तुम, क्या तुम हो, सच बताओ।
तुम्हें ना उठाया ना, दुरुक पक्की बात है ना। अच्छा हेलो कहो एक बार फिर ताकि मुझे यकीन आए। हेलो। हाँ अब यकीन आया, इतनी बार कॉल की मगर तुमने एक बार भी पिक नहीं किया। तुम्हें मैं क्या बताऊँ, कितनी परेशान हो रही थी। मैंने इसलिए उठा लिया ताकि तुम परेशान ना हो। मैं तो होंगी बिल्कुल, खामोशी से घबराहट होती है, डर लगने लगता है। आंधी आई तूफान या जलजला, तुम फोन जरूर पिक कर लिया करो। ये बताओ कैसे हो। ठीक हूँ ठीक हूँ, जैसा नॉर्मली होता हूँ बस वैसा ही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ से खैरियत नहीं लग रही, झूठ मत बोलो सच बताओ। यार दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हीं के कमरे में हूँ, अम्मी बाबा घर पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हॉस्पिटल लेकर जाऊँ इन्हें, डॉक्टर को कॉल करूँ, समझ नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो दुरुग, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था ना, तुम्हें कोई ना कोई मसला था। अच्छा मैं टैक्सी में हूँ, तुम बस इजी रहो, मैं फौरन आ रही हूँ, बस अभी पहुँची, परेशान ना हो। यार तुम क्यों जहमत करती हो, मैं हैंडल कर लूंगा। हेलो, बंद ही कर दिया ये भी ना। यहां से घुमा ले, वापस घुमा ले। ठाक ठाक ठाक, रोमांटिक मुराद सर सलमास ने यहां बुलाया था मुझे। ऑफ कोर्स पता चल गया मुझे तुमने क्या किया है, हयात की सालगिरह का दिन तुम्हारे प्यार का पहला दिन होगा। नाइस, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे सालगिरह पे क्या तोहफा दूं। ओके हाँ ठीक है, लड़की खूबसूरत है, प्यारी भी है और उसकी सालगिरह है जो कि इश्क के एतराफ का दिन भी है, बहुत मुश्किल चॉइस है। उसे पता चलना चाहिए कि वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, समझ गई, ऐसा गिफ्ट होना चाहिए। ऐसे करो बॉस, एक आइलैंड दे दो उसे, या आधा ही दे दो अगर इतने पैसे नहीं है। बस खत्म, तुम अपने आप को एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स में पैक करो और उसके रूम में जाकर छुप जाओ, और वो आए तो कहना सरप्राइज, और वो बहुत खुश होगी यकीनन, देख लेना। टूवल। अच्छा सॉरी, मैं ये कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रहा था इसलिए कह रही थी। अच्छा उसे घर खरीद दो, स्पोर्ट्स कार दो उसे, ऐसे करो एक घोड़ा गिफ्ट कर दो, उसका फेस टैटू करवा लो अपनी कमर पे। इस बात से मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, उसके नाम का टैटू ना बनवा लूं अपने माथे पर जिस पर बड़ा सा हयात लिखा हो। हाँ वाह कैसा है, मगर हो सकता है वो डर जाए देखकर, है ना। हाँ ये भी है, डर ना जाए कहीं वो। क्यों परेशान हो रहे हो, सोच तो रही हूँ ना, खुदा खैर करे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन, जैसे शानदार आइडियाज आ रहे हैं तुम्हारे जहन में, खुदा ही खैर करे। ब्लड प्रेशर कितना था मेरे आने से पहले? 150-90। ठीक है शुक्र है, नॉर्मल हो रहा है। हाँ अब कुछ बेहतर हूँ बेटा, लेकिन कमजोरी अब भी महसूस हो रही है, सर में धमक धमक सी है मुसलसल। घबराए नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी आप दादी जान, आपको उठाकर बिठा दूँ आप अच्छा महसूस करेंगी। ऐसा करें इसे उतार दें, सांस लेने में आसानी होगी। अब आपको ये भी सर के नीचे रखना होगा, चले शाबाश। आह बहुत ठंडा है। लेकिन ये जरूरी है दादी जान, इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अल्लाह करे जल्द हो जाए। अरे मेरी दादी जान, आप इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी प्यारी हैं, क्यों परेशान हो रही। मैं यहाँ हूं ना, असली भी मौजूद है, आप महफूज हाथों में हैं, जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। मगर इसके लिए रेस्ट जरूरी है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम बाहर चले जाएं। दुरुक दादी, अच्छा हम दोनों बाहर बैठे हैं, मैं थोड़ी देर में आकर आपका बीपी चेक कर लूंगी, ठीक है। हाय मेरी बच्ची, तुझे जहमत दे दी हमने, बहुत खुश रहे, जीती रहे। चले
कसम से बहुत अच्छा लग रहा है इनका हेयर स्टाइल, बहुत शानदार। तुम बहुत अच्छे हो। नहीं मोहतरमा, असल में तो आप खुद बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत भी हैं और बाएखलाक भी। हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा बाएखलाक नहीं हो सकती कामरान साहब। एक्सक्यूज मी। नहीं जनाब आली, वो स्टाइल आजकल हिट है। ऑफ कोर्स, मेरा नाम ही मेरी पहचान है, कदरदान कामरान। नौरीन बेगम, क्या बताऊं आपकी जुल्फे किस कदर हसीन है। अगर कभी बालों का मुकाबला हुआ तो आप मिस वर्ल्ड होंगी। अपने बालों की नजर उतारा करें। खुदा हाफिज। क्या हो गया? ये किससे बात कर रहे थे तुम? सॉरी, माजरत चाहता हूं। आइलीन साहिबा, हाय, आप तो ऑलरेडी मिस वर्ल्ड हैं। आपके दराज गेजू हसीनाओं की जान हैं। कसम से आईने की भी नजर उतारा करें, रोज एक बार सकता करें। मजाक नहीं कर रहा मैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम? शट अप कामरान, शट अप। क्या मतलब है, शट अप हो जाओ। आज से खुदा हाफिज, हमेशा के लिए। तुम अपनी हसीनाओं में खुश रहो, उनकी जुल्फे सवारते रहो बैठ के। आज से मुझे भूल जाना कामरान साहब। उठिए आपा। अरे लेकिन रुको फरीदे। ये औरतें भी क्या हैं बस। फरीदा साहिबा, देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दादी काफी बेहतर हैं अब, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है तकरीबन, और सर का दर्द और टी से भी खत्म हो गई है। पुरसुकून नींद सो रही है। तुम्हारी वजह से, हकीकत में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी लड़की हो तुम। यार दुरुग, तुम मेरा शुक्रिया किस बात पर अदा कर रहे हो? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, यानी एक नर्स होने की हैसियत से और फिर एक दोस्त होने की हैसियत से भी। कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने? लेकिन लेकिन खैरियत तो है? कहो तो तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर चेक कर लूं हाथ के हाथ। मुझे मालूम है जो तुम नहीं कह पाए, यानी ये सब कैसे हुआ और सब लोग कहां गए। वो तो है, लेकिन नहीं बताना चाहते तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छा होता है किसी से शेयर कर लेना, दिल हल्का हो जाता है। मुमकिन है बेहतर फील हो तुम्हें बात करके। काश यार। असली देखो, मैं नॉर्मली हर शे अपने तक रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर ऐसा है, ये मामला कुछ ज्यादा पेचीदा है, एक फैमिली प्रॉब्लम है। क्या हम अवॉइड कर सकते हैं ये बात? ठीक है, कोई मसला नहीं। और फिर तुम उन लड़कियों से क्लोज हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उनसे कुछ मत कहना। ओके। आगे बताओ ना। फिर वो मेरी तरफ बढ़े और बिल्कुल करीब आकर मेरी आंखों में देखने लगे। बताओ ना आगे, चुप क्यों हो गई? फिर धीरे से बोले, सालगिरह पर किसी से कमिट ना करना। अच्छा, वैसे थोड़ा और रोमांटिक होना चाहिए था मेरे ख्याल से उसे। अरे तो तुम ऐसी अफसरदा क्यों बैठी हो फिर? तुम्हें तो खुशी से छलांगे लगानी चाहिए ना। असल में तो मेरा बर्थडे नहीं है ना। अरे तो मुराद को क्या पता यार। मगर आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। दीदा मुस्तकिल मेरे पीछे लगी हुई है, बस उसे इतनी सी बात का इंतजार है। मुराद पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहा होगा मेरी सालगिरह समझ कर, कि जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरा दिल बेकरार है उसके प्यार भरे लफ्ज सुनने के लिए। मगर क्या ये सही होगा कि इतने खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद इतने बड़े झूठ पे रखी जाए? सही कह रही हूं ना? क्या कहने हैं यार, कहाँ चले गए सब घर वाले।
इतने दिन बाद लौटा हूँ, कोई वेलकम करने वाला नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ध्रुव, बहुत। माफ कीजिएगा बाबा, मगर मैं बस आप ही का वेट कर रहा था। दादी जान ऊपर है, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उनका। फिक्र मत करें, अब ठीक है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए रुक गया। अब चूंकि आप आ गए हैं तो मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट बाबा, खुदा हाफिज। एक मिनट दुरुक साहब, जरा रुकिए। हुआ क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो आखिर? भाई के घर रहूंगा कुछ दिन, थोड़ा रिलैक्स करूंगा। ठीक है, जरूर जाओ, मगर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही मुझे। अम्मी से झगड़ा हो गया है बस थोड़ा। अच्छा, माँ से झगड़ा, किस बात पर? भाई बता भी दो यार। बेहतर है बाबा आप अम्मी से पूछ लें, वो बेहतर बताएंगे आपको। है कहाँ वो? मालूम नहीं। क्या हुआ, ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे ही बस। चल बता क्या सोच रही है। मेरी एक दोस्त परेशानी में है, उसी का सोच रही हूँ। कौन दोस्त, हुआ क्या है? इन दोनों में से कोई है? नहीं, असली या एपिक नहीं, बस छोड़े आप परेशान ना हो। हाँ, ये दोनों नहीं है। अच्छा फिर तुम्हारी दोस्त के साथ मसला क्या है? बस वो उसने मजबूरी में एक झूठ बोल दिया है और अब वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रही। ऊपर से इश्क का भी मामला है, तो यानी कुछ ज्यादा ही उलझ गई है वो। ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? वो तेरी बात से ताल्लुक नहीं है इसका। मैं तो बस यही सोच रही थी ना कि मोहब्बत करते हैं दोनों और एक दूसरे से कुछ छुपाते भी नहीं है, है ना? अच्छा खैर छोड़, क्या पता तेरी दोस्त का मामला कुछ और हो। अच्छा ये बता, अब वो क्या करेगी? उसे यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, यही तो प्रॉब्लम है। मेरी जान, देख मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे अगर तू पूछेगी तो क्या मशवरा दूंगी मैं? भाई जाहिर है मुझे कुछ पता नहीं उस लड़की का, जर्रा भी, एक जर्रे के बराबर भी कुछ नहीं पता। लेकिन वैसे ही तुम पूछो तो मैं कहूंगी इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ जो है एक अंधा कुआं है, खा जाता है जिंदगी की हर खुशी को। हयात बेटा, सच एक दिन खुलकर ही रहता है और फिर क्या होता है? शर्मिंदगी, अफसोस, अजियत। उसे कहो जरूरत करके सच बोल दे। ओहो हो भाई, ये क्या हो रहा है अकेले अकेले मेरे बगैर? अरे दुरुक, लग रहा है रहने आए वहाँ। हाँ सोचा कुछ दिन आपके घर की रौनक बढ़ाऊं। अच्छा किया, वैसे बाय द वे सब ठीक तो है ना? यार कुछ भी नहीं हुआ, भाई की मोहब्बत जाग उठी है बस दिल में। क्या वाकई? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ भाई, बता तो रहा हूँ, कहें तो चला जाऊं मैं। नहीं यार ये बात नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ भी रुकने को तैयार नहीं होते। वो माजी था और माजी मर गया, ये आज है और आज जिंदा है, समझे? ओके ओके, अच्छा किया आ गए। मुझे हयात को बर्थडे पे गिफ्ट देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चॉइसेस में उलझा हुआ हूँ मैं। इतनी सी बात है? अरे क्योंकि आपने जिससे पूछा है लोग उसे लव डॉक्टर कहते हैं। बैठो। Thank you.
तुमने ड्रिंक ओवर लिमिट कर ली, इससे ज्यादा तुम सहार नहीं सकोगी दरिया। ओह निजात साहब घर आ गए आप वापस? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अम्मी का ब्लड प्रेशर अभी कुछ देर पहले ही नॉर्मल हुआ है, ऊपर सो रही है वो। दुरूक अपना सामान उठाकर मुराद के घर चला गया, कह रहा था कुछ दिन वहीं रहेगा। असल में अपने भाई को अपनी माँ पर तरजीह दी आपने दुरूक साहब। ओ, क्या बात है आपकी मुराद साहब। मेरे पीछे इस घर में हुआ क्या है दारिया? आपने ये शर्फ हमें बख्शा क्या कहने। मैं तो समझी आपकी अम्मी हर बात बता चुकी होंगी आपको नमक मिर्च लगा के, लेकिन इत्तफाकन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अब बहुत हो गई, बस करो बस करो। छोड़ दो मुझे, मैं उदास हूँ। ओके उदास हूँ मैं, समझे? दारिया हुआ क्या है? मुझसे नफरत करता है मेरा बेटा दुरूक, मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है निजात, मेरा बेटा अब मुझसे प्यार नहीं करता वो। कम ऑन, सब ठीक है, रो मत यार, बस सब ठीक है। चलो शामा अपने बेडरूम में चलते हैं हम लोग, नींद की टैबलेट लो और सुकून से सो जाओ, ठीक है? जो कुछ भी हुआ है उस पे हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? अब चलें, शाबाश, आजा। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और झुकते हुए हाथ जमीन पर टिका लें। पहले लेफ्ट पर वेट डालें, फिर राइट पर वेट डालें और सांस अंदर खींचते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर को उठें और सांस बाहर निकाल दें। कौन है बे? उफ यार, कितने मजे से रिलैक्स कर रही थी और तुमने आकर कबाड़ा कर दिया सारा। बस दो तीन बातें पूछने आई हूँ, चंद मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी तुम्हारे। जिस वक्त मुझे उनके जवाब मिल जाएंगे उसी वक्त चली जाऊंगी यहाँ से। क्या सवाल है तुम्हारे, शुरू हो जाओ। उफ यार, मैं रात भर सो नहीं सकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तुम्हारा ख्याल आया। फिर वो हयात मुराद से प्यार करती है या फिर इब्राहिम से? तुम्हें क्या, मुझे क्या? मुराद से पूछो, हयात या इब्राहिम से पूछो, मुझे क्या मालूम? मैं कोई चुगलखोर हूँ, कहाँ पास हूँ, खुद बताओ। नो, सबको पता है तुम हो, बिल्कुल हो। चुगल, अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, हर बात छुपाने लगी हो। हफ्ते को बाहर चले कहीं, खाना खाएंगे और अच्छी से मूवी देखेंगे कहीं। नो थैंक्स, हयात की बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हूँ मैं, मुराद कर रहा, अगर ना गई तो बहुत नाराज हो। ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुराद हयात को बर्थडे पार्टी दे रहा है, यही कहा ना तुमने? अब मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया, बस जा रही हूँ। ओके बाय। टुअल साहिबा रिलैक्स हो जाए प्लीज। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसी को तो ये बात नहीं बतानी थी यार। गेट लॉस्ट यार। लास्ट ईयर जहाँ फोटोशूट के लिए गए थे हम, वो होटल याद है ना? हाँ हाँ वही वही, मुझे उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर फौरन सेंड कर दो। नहीं नहीं मैं खुद करवा लूंगा बुकिंग, बस तुम नंबर भेज दो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं वो लोग। फ्री हो जाओ तो कॉल कर लेना मुझे। हाँ ठीक है, बाय। मेरे लिए दिन के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं ये। ऐसा है? बिल्कुल, तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी से दिन का आगाज करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आज आप मेरे लिए एक घंटा निकाल सकते हैं ऑफिस से बाहर? हो सके तो लंच
या शाम को वापस जाते हुए कहीं बैठ जाएं। आपसे कुछ बातें करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी लाजमी है आज बात करना। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, तो आई थिंक इस वीक में तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वीकेंड पे पूरा दिन दे सकता हूँ, बस चंद रोज, फिर खुलकर सारी बातें करेंगे, जो दिल की बातें करनी है हमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। कैसी हो अब? जैसे रोज होती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। लो ये जूस पी लो पहले, फिर बात करेंगे कि कल क्या हुआ था नाश्ता करते हुए। थैंक यू निजात डार्लिंग। चलिए बताइए, तो कल रात को कोई बहुत सीरियस इशू हो गया था क्या? दुरुक ने रात को दारिया से कुछ बदतमीजी कर दी थी, बस कोई सीरियस बात नहीं, उसी की टेंशन थी। कल रात हमारी बहू को, मैं भी परेशान हो गई थी जरा। माँ के दिल का दर्द माँ ही समझ सकती है। हम दोनों अपने बच्चों के लिए दुखी हैं, शायद कोई खास बात नहीं थी, तुम परेशान मत हो बेटा। जाओ हयात, देखना तुम्हारी असलियत खुलेगी तो मुराद कभी तुम्हारा नहीं हो सकेगा। बताओ, इश्क में मुझे डिफीट देने का सोच रही हो? मुझे? ये क्या? दो दिन मुराद ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दी तो इब्राहिम का पीछा पकड़ लिया। किस नेचर की लड़की हो हयात? अरे, इतनी तेजी तो मैंने भी किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं दिखाई। कितनी घटिया लड़की है ये, तुम्हें तो घर तक पहुंचा के छोड़ूंगी। याद रखूंगी किससे पाला पड़ा था। चलो जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो, जल्दी। ओके मैम, मैं समझता हूँ, फिक्र मत करें, अब देखें आप। ये क्या है? क्या आप भी ये घर छोड़कर जा रही हैं अम्मी जान? मैं भला क्यों जाने लगी यहाँ से, ये मेरे बेटे का घर है। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि अगर कोई जाएगा तो वो मैं होगी, यानी
मैं नहीं लाई तुम्हें तो निकालने वाली कौन होती हूँ? किसके लिए ले जा रही है? अपने पोते के लिए। दुरुक शौक से खाता है, शायद याद नहीं तुम्हें। चले, बहाना मिल गया आपको वहां जाने का। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपकी एक बात ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। मेरा ख्याल था आप निजात को सब कुछ बता चुकी होंगी। मेरी आप तरफदारी करेंगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी जान, तुम इस तरह क्यों सोचती हो? मैंने जो कुछ भी कहा, और वो भी जो कभी नहीं कहा, सब सिर्फ दुरुक की खातिर था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा कभी किसी परेशानी का शिकार हो। हफ्ते को बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं हम, तुम भी आना चाहोगे क्या? तुम्हारी बात के दोनों इससे खासे इंटरेस्टिंग है। बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं हम, यानी तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है अरेंजमेंट में। तुम भी आना चाहोगे क्या? मतलब और भी लोग होंगे वहाँ। लगता है तुम शार्लॉक के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रहे हो। यस, ये पार्टी मुराद ने ही अरेंज की है, और जाहिर सी बात है इब्राहिम, हम दोनों के फ्रेंड्स आ रहे हैं वहाँ। मुराद को शायद अच्छा ना लगे अगर तुमने मुझे इन्वाइट किया। उससे अच्छा नहीं लगता तो ना लगे, बर्थडे तो मेरी है ना। वाकई बर्थडे है तुम्हारी? नहीं, मेरी नहीं है, सोना की है। सीवी उसी की दी थी ना, तो जाहिर है। तो ये थी तुम्हारी उदासी की वजह? हाँ, बहुत बुरा दिन था आज का। मुराद ने तो बातों बातों में खूब जताया कि उसे हमारे ड्रामे का पता चल गया है। उसी वजह से तुम्हारे साथ भी उसका रवैया ठीक नहीं था। मुराद की मुझे जरा से भी परवाह नहीं। वो जो भी कहे, जो भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ख्याल है सिर्फ तुम्हारी खुशी का। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जबरदस्त यार, बहुत आला भाई। तुम्हें ऐसा क्या आला दिख गया? आपका और पूल का कसम से बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कुछ बेजारी की बू आ रही है मुझे। बेजारी क्यों नहीं होगी यार? ओ भाई, फेड अप हो गया हूँ, काम किए जा रहा हूँ और आपको स्विमिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मैंने पूरी प्लानिंग भी कर ली और आप अभी तक पूल में ही हैं। स्विमिंग नहीं, दिमाग को कूल कर रहा हूँ। ओके, सुन रहा हूँ, बोलो। मेहमानों की फहरिस्त सुन ले और लाजमी गेस्ट के नामों से शुरू कर रहा हूँ। पहली दीदम तशकाया, दूसरा इब्राहिम कारा। वेरी फनी दुरु, क्या इरादे हैं आपके? आपका इमेज अच्छा करना चाह रहा हूँ मैं तो भाई, सही है ना? ओके ओके, ये असली लिस्ट है। हयात की दोनों सहेलियाँ असली और आईपिक होंगी, और हमारे करीम साहब होंगे, और इश्क जहाँ हो वहाँ टूवल, जाहिर है वो तो लाजमी होगी। मैं आ गई मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अगर किसी ने कहा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है क्योंकि बहुत मजेदार चीजें लाई हूं। दादी जान, खुशामदीद। जीता रहे मेरे बच्चे, देख तो जरा। वाह वाह वाह, मेरी दादी की क्या बात है यार। ओहो, चिकन शौर्मा, फिश कबाब, ओह माय गॉड, ये भी है? दादी आ तो छा गई यार। हाँ, खूब मजे लेकर खाओ मेरे बच्चों। ये ले, यही मंगवाया था ना तूने? थैंक यू। हे हे हे, एक मिनट एक मिनट, ये कौन सी खुफिया चीज मंगवाई थी?
तू अपने काम से काम रख, मुराद का है ये। ओ, लग रहा है कोई पुरानी खानदानी निशानी है, यानी ऐसी कोई चीज जिसका जिक्र भी नहीं सुना। भाई साहब, मेरे यहाँ रहने के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत कुछ बढ़ा दे। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हारा घर है? प्यार लफ्जों में कहा। देखो, बताना तो है आज नहीं तो कल, तो जो कल बताना है आज ही बता दे इंसान। आई लव यू से आगे ना बढ़ने वाले जो कपल होते हैं, उनकी मोहब्बत का फूल मुश्किलात में पड़ते ही खिल जाता है। देखते हैं हयात और मुराद के रिलेशन के बारे में कितना जानते हो इब्राहिम साहब। मैं कोई और हूँ, सोना प्रैक्टिस नहीं। दो भाइयों में दरार डालने चली थी, अपना सगा बेटा ही